Good morning, students. English. What is English? English is a language. English is a language. Now next is, what is grammar? These are the basic things. Grammar is the study of language. It helps us to communicate our ideas effectively. Now, the first topic of our grammar is noun. What is noun? Name of a person, place, or thing is called noun. In other words, we say that naming words are called noun. Now I discuss from a notebook. A noun is the name of a person, place, thing, quality, condition and action. Noun किसको बोलते हैं? संज्ञा को. संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं. Noun two types के होते हैं mainly, countable and uncountable. Countable noun includes proper noun, common noun, collective noun. And uncountable noun includes material noun and abstract noun. Proper noun बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, common जातिवाचक संज्ञा, collective समूहवाचक संज्ञा, material द्रव्यवाचक संज्ञा, abstract भाववाचक संज्ञा. Now what do you mean by countable noun? The things which can be counted are known as countable noun. जिन वस्तुओं को आप गिन सकते हैं, गिनने योग्य होती हैं, वो सभी वस्तुएं countable noun के अंदर आती हैं. Proper noun, the noun which denotes a proper person, place or thing is called proper noun. ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, exact जो चीजें होती हैं, जो बिल्कुल denotes यानी किसी एक particular चीज को denote करती हैं, वो सभी चीजें, वो persons के नेम, वो place के नेम, वो thing के नेम proper noun के अंदर आते हैं. जैसे किसी भी आप individual व्यक्ति का नाम लेंगे तो that is proper noun. किसी भी individual place का नेम लेंगे that is proper noun. किसी भी individual thing का नाम लेंगे that is proper noun. Like that, for example, Ram is the name of a person and it is particular, so it's proper noun. Like that, in the same way, the proper noun includes the proper name of a person, particular person, place or thing. Okay. Now second one is common noun. The noun which denotes common person, place or thing is called common noun. Example,
मैन, टाउन, स्कूल, बुक, टेबल दैट आर कॉमन, विच डिनोट्स अ कॉमन थिंग, जो सभी व्यक्तियों के लिए यूज होते हैं, दैट इज मैन, सभी बॉयज इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, गर्ल्स, सभी गर्ल्स आ जाती हैं उसमें, दैट सो इट डिनोट्स कॉमन नाउन. कलेक्टिव नाउन, द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, जो किसी ग्रुप को, किसी समूह को व्यक्त करे, दैट इज कलेक्टिव नाउन. फॉर एग्जाम्पल, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ बंच ऑफ फ्लावर्स, लाइक दैट सो मैनी एग्जाम्पल्स आर देयर, आई शो यू सो मोर एग्जाम्पल्स आर देयर फॉर कलेक्टिव नाउन लाइक दैट. ए कवर्ड ऑफ पीपल, हर्ड ऑफ कैटल, ड्रॉग ऑफ कैटल, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, क्लस्टर ऑफ स्टार्स, गैंग ऑफ रोबर्स, नेस्ट ऑफ आंट्स, स्वार्म ऑफ आंट्स, बंडल ऑफ क्लोथ्स, सीरीज ऑफ इवेंट्स, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ट्रूप ऑफ चिल्ड्रन, ट्रूप ऑफ डांसर, ज्यूरी ऑफ जजेज, लाइक दैट ए पाइल ऑफ बुक्स एक्सेट्रा, यू सी देयर है ना. नाउ अनकाउंटेबल नाउन, द नाउन विच कैनॉट बी काउंटेड आर नॉन एज अनकाउंटेबल नाउन. मैटीरियल नाउन, द नाउन विच डिनोट्स मैटीरियल, जो किसी पदार्थ को व्यक्त करते हैं, पदार्थ जो होते हैं वो सभी मैटीरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, लाइक द टी, कॉफ़ी, ऑयल, वाटर, घी एक्सेट्रा. एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन, दैट आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. फॉर एग्जाम्पल, विजडम, चाइल्डहुड, ब्रेवरी, ऑनेस्टी. थैंक यू ऑल, थैंक यू स्टूडेंट्स.